बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 हमारे साथ है। वी शो दैट डिटरमिनेंट ए बी सी एल एम एन ओवर एक्स वाई जेड is equal to a l x b m y और c n z। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है a b c l m n x y z। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज देते हैं। टेक ट्रांसपोज, ठीक है, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज दे दें तो हमारे साथ इसका ट्रांसपोज आ जाएगा ए बी सी एल एम एन और एक्स वाई जेड। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें पता है अगर हमारे साथ एक मैट्रिक्स हो प्रॉपर्टी, अब डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा है, इसका हम ट्रांसपोज ले लें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमारे साथ बराबर होगा। ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट हमारे साथ बराबर होगा ए डिटरमिनेंट का। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है, ए बी सी ए B C 1 minus 3A 2 minus 3B 3 minus 3C 4 5 6 is equal to A B C 1 2 3 4 5 6। तो प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है ए बी सी 1 माइनस 3 ए 2 माइनस 3 बी 3 माइनस 3 सी 4 5 6। तो मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक मैं इसको दो डिटरमिनेंट में लिख सकता हूँ। इसी तरह ए बी सी 1 2 3 4 5 6 और प्लस दिस डिटरमिनेंट ए बी सी और इसका दूसरा टर्म माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C और 4 5 6 विच इज इक्वल टू ए बी सी 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 इस सेकंड रो से माइनस 3 कॉमन लेता हूँ तो हमारे साथ आ जाएगा ए बी सी 4 5 6 विच इज इक्वल टू ए बी सी 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 इंटू 0। इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है बिकॉज रो 1 इज इक्वल टू रो 2। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू राइट, ये टर्म आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 1 1 1 ए बी सी और बी प्लस सी सी प्लस ए बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रूफ के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब रो ऑपरेशन करता हूँ R2 प्लस R3। ठीक है, तो 1 1 1 और रो 2 के साथ में रो 3 ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये बी प्लस सी, सी प्लस ए अबर ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं रो टू से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी में से कॉमन लेता हूँ, ये मतलब वन 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 बी प्लस सी, सी प्लस ए अबर ए प्लस बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो। ठीक है, जीरो इसलिए कि बिकॉज रो वन इज इक्वल टू रो टू, जब किसी डिटरमिनेंट में दो रो बराबर हो तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो। पार्ट थ्री भी हमारे साथ प्रूव हो गया। अब हम पार्ट नंबर फोर की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर फोर हमारे साथ है, बी सी सी ए ए बी, बी सी सी ए ए बी, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, तो प्रूफ के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, बी सी सी ए बी, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको प्रूफ के लिए मैं फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो हमारे साथ आ जाएगा ए बी सी डिवाइड बाय ए, मैंने ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए, सर ये आ जाएगा ए क्यूब डिवाइड बाय ए, इसको मैं बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो ए बी सी डिवाइड बाय बी, बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी, इस तरह ये बी क्यूब डिवाइड बाई बी जाए। थर्ड कॉलम को मैं सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, ए बी सी डिवाइड बाई सी, सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, इस तरह सी क्यूब डिवाइड बाई सी। अब मैं इस कॉलम से वन ओवर ए का मान लेता हूँ, इस कॉलम से वन ओवर बी का मान लेता हूँ, और इस कॉलम से वन ओवर सी का मान लेता हूँ, मेरे साथ आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, अब मैं ए बी सी फर्स्ट रो से कॉमन लेता हूँ, तो मेरे साथ आ जाएगा ए बी सी डिवाइड बाय ए बी सी, अगर जी वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हमारे साथ ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो पार्ट फोर भी हमारे साथ प्रूव हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर हम फाइव हमारे साथ खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सिक्स हमारे साथ है, प्रूव दैट पार्ट नंबर वन, प्रूव दैट ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, इसी तरह सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए,
ए माइनस बी सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए डिटरमिनेंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें रो ऑपरेशन करता हूँ, ठीक है। आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। फिर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इस तरह हमारे आ जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, इस तरह हमारे साथ ये आ जाएगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ठीक है। अब हम ये अपनी जगह पे बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, इस तरह ये सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो हमारे साथ माइनस बी प्लस बी ख़त्म, माइनस बी प्लस सी और ए माइनस ए प्लस ए, इससे हमारे साथ जीरो आ जाएगा। इस तरह बी माइनस बी ख़त्म, माइनस सी प्लस सी ख़त्म, माइनस ए प्लस ए, ये भी जीरो आ जाएगा। इस तरह हमारे साथ इससे भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे साथ ये आखिर में ये बी माइनस सी है, ठीक है। बुक में बी माइनस ए लिखा है, हकीकत में बी माइनस सी है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये सी है, ठीक है, बी माइनस सी। तो हमारे साथ इस सारे जीरो और बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी और ये बी माइनस सी, विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जीरो इसलिए बराबर, इसका डिटरमिनेंट इसलिए जीरो है कि इसमें एक रो हमारे साथ जीरो के बराबर है, ठीक है। पार्ट नंबर टू हम सॉल्व करते हैं, तो पार्ट नंबर टू हमारे साथ है वन ए ए क्यूब, वन ए ए क्यूब, वन बी बी क्यूब, और वन सी सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी into c minus a into a plus b plus c। start from left hand side से ले प्रूफ की थी, तो left hand side मतलब है वन ए ए क्यूब, वन बी बी क्यूब, वन सी और सी क्यूब, ठीक है। इसमें हम रो ऑपरेशन करते हैं, रो वन माइनस रो थ्री सारा रो टू माइनस रो थ्री, ठीक है। तो इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर थ्री, ठीक है, और आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। तो एम आर साथ आ जाएगा वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन आर वन से हम आर थ्री माइनस करते हैं, तो वन माइनस वन जीरो, ठीक है। ए माइनस सी और ये में आ जाएगा ए क्यूब माइनस सी क्यूब, सर ये आर टू माइनस आर थ्री, वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये वन सी सी क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपेंड बाय कॉलम वन के करता हूँ, ठीक है, एक्सपेंड बाय सी वन कॉलम नंबर वन, ठीक है। तो पहले दो टर्म जीरो है, जीरो माइनस जीरो और ये प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, प्लस वन और ये रो और ये कॉलम हटाता हूँ, तो हमारे साथ आ जाएगा ए माइनस सी ए क्यू, या फार्मूले में पहले इसके एक्सपेंशन से पहले मैं ये फार्मूले ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो ए माइनस सी, और ये फार्मूला मेरे साथ बन जाएगा ए माइनस सी एन टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए सी, ठीक है। इस तरह ये जीरो बी माइनस सी और ये बी माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, ठीक है, फिर वन सी और सी क्यूब, ठीक है। अब इस रो में हमारे साथ ए माइनस सी का वन है और इसमें हमारे साथ बी माइनस सी का वन है, तो ए माइनस सी और बी माइनस सी में कॉमन लेता हूँ, ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, तो
मेरे साथ इधर रह जाएगा जीरो वन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, सर इधर रह जाएगा जीरो वन और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और इधर वन सी और सी क्यू। ठीक है, अब मैं एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो करता हूँ। ठीक है, एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, तो हमारे साथ ये बन जाएगा ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, और हमारे साथ पहला वाला टर्म भी जीरो, दूसरा वाला भी जीरो, एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहला टर्म भी जीरो, दूसरा टर्म भी जीरो, और तीसरा हमारे साथ था वन, और इधर रह जाएगा वन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और वन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए सी है और ये हमारे साथ बी सी है। ठीक है, ये रह जाएगा विच इज इक्वल टू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए सी। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए माइनस सी एम टू बी माइनस सी। ठीक है, और इसको मैं देख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, और इधर ये हमारे साथ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी विच इज इक्वल टू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे साथ बराबर है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और प्लस इन दोनों में सी कॉमन है तो इसे रह जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, अब इन दोनों में बी माइनस ए कॉमन है तो बी माइनस ए। ठीक है, इधर हमारे साथ रह जाएगा बी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब इधर हमारे साथ ये ए माइनस सी को मैं सी, इधर हमारे साथ इधर सी माइनस ए है, तो अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले रहा हूँ माइनस, तो ये हमारे साथ सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और बी माइनस सी अपनी जगह पे, अगर इससे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हमारे साथ ए माइनस बी हो जाएगा, और इसका तरतीब मेरे साथ होगा ए प्लस बी प्लस सी, विच इज इक्वल माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, और इसको मैं तरतीब से लिखता हूँ ए माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट टू हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर थ्री की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स और पार्ट नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में पार्ट नंबर थ्री हमारे साथ है, वन ए ए स्क्वायर वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो प्रूफ के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, वन ए ए स्क्वायर वन बी
बी स्क्वेयर वन सी सी स्क्वेयर, ठीक है। तो रो ऑपरेशन करता हूँ, आर वन माइनस आर थ्री और आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। विच इज इक्वल टू वन माइनस वन जीरो, ए माइनस सी और ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इस तरह वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी और बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और वन सी सी स्क्वेयर, ठीक है। विच इज इक्वल टू एक्सपेंड बाई थर्ड फर्स्ट कॉलम, तो ये पहला टर्म जीरो, दूसरा टर्म जीरो और तीसरा वन, ठीक है। या पहले मैं फर्दर एक्सपेंड करता हूँ, जीरो ए माइनस सी, ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ये फार्मूला है, ठीक है। जीरो बी माइनस सी और ये मेरे साथ फार्मूला है बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, इस तरह वन सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट रो में ए माइनस सी का मन है, ठीक है, फर्स्ट रो में हमारे साथ ए माइनस सी का मन है और सेकंड रो में हमारे साथ बी माइनस सी का मन है, ठीक है। तो हमारे साथ रहता है जीरो वन ए प्लस सी, जीरो वन ए प्लस सी, इधर रहता है जीरो वन बी प्लस सी और तीसरा हमारा तो वन सी सी स्क्वायर एक्सपेंड बाई फर्स्ट कॉलम। तो जीरो पहला टर्म जीरो आ जाएगा, दूसरा भी जीरो और तीसरा हमारे साथ वन और वन बी प्लस सी और सी सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू इधर हमारे साथ इसमें हमारे साथ ये कॉमन है ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी और ये हमारे साथ आ जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस वन वन बी प्लस सी और सी सी स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा ए माइनस सी बी माइनस सी और ये हमारे साथ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी इंटू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए माइनस सी बी माइनस सी और ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हमारे साथ सी स्क्वायर माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें हमने वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर, दोबारा मैं चेक करता हूँ वन सी सी स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस थर्ड आर वन माइनस आर थ्री, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस सी और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आर टू वन पी आर थ्री, तो वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और वन सी सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे साथ ये जीरो ए माइनस सी, ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, जीरो बी माइनस सी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, वन सी और सी स्क्वायर, ठीक है, वन सी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी पहले रो से मैंने कॉमन ले लिया और बी माइनस सी मैंने सेकंड रो से कॉमन ले लिया, तो जीरो वन ए प्लस सी, जीरो वन और बी प्लस सी और वन सी सी स्क्वायर, ठीक है, वन सी सी स्क्वायर। तो ए माइनस बी बी माइनस सी, पहला टर्म जीरो दूसरा टर्म जीरो एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो और प्लस वन, ठीक है। और मेरे साथ ये आता है जब ए हम रहते तो इस रो और इस कॉलम को हम रिमूव करेंगे, तो ये हमारे साथ आ जाएगा वन ए प्लस सी, ये हमारे साथ आ जाएगा वन ए प्लस सी वन ए प्लस सी और वन बी प्लस सी, ठीक है। विच इज इक्वल टू ए माइनस सी
और d माइनस सी, और इससे आ जाएगा दिस b प्लस सी, ठीक है, ये वन होगा, ठीक है, b प्लस सी और माइनस a माइनस सी, ठीक है। तो माइनस सी प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा a माइनस सी b माइनस सी, ठीक है, और मेरे साथ b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ इस टर्म से, तो ये हमारे साथ माइनस c माइनस a रह जाएगा, और ये b माइनस c, और इससे कॉमन ले रहा हूँ माइनस, तो ये माइनस a माइनस b रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये माइनस माइनस प्लस, और मैं तरतीब से लिखता हूँ a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स में पार्ट थ्री साल हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स में पार्ट फोर की तरफ जाते हैं। तो पार्ट फोर हमारे साथ है माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वेयर और बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वेयर ए सी बी सी माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू फोर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, पहले प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वेयर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं इस कॉलम से मैं ए कॉमन लेता हूँ, ठीक है, इस रो से मैं ए कॉमन लेता हूँ, इस रो से मैं बी कॉमन लेता हूँ, और इस रो से मैं सी कॉमन लेता हूँ, तो मेरे साथ आ जाएगा ए, और इसे मैं बी कॉमन लेता हूँ बी, और इसे मैं सी कॉमन लेता हूँ, तो मेरे साथ रह जाएगा माइनस ए बी सी, ये मेरे साथ रह जाएगा ए माइनस बी और ये सी रह जाएगा, इस तरह ये ए बी और ये हमारे साथ माइनस सी रह जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी, ठीक है, अगर इसमें रो ऑपरेशन करता हो आर वन, आर वन प्लस आर थ्री, ठीक है, और आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है, तो आर वन प्लस आर थ्री से हमारे साथ जीरो आ जाएगा, ये b माइनस माइनस ए प्लस ए, ठीक है, माइनस ए प्लस ए से हमारे साथ जीरो आ जाएगा, b प्लस बी से हमारे साथ टू बी आ जाएगा, और c माइनस सी हमारे साथ जीरो आ जाएगा, ठीक है, इसको हमने ऐड किया। अब r2 टू माइनस आर थ्री, तो a माइनस ए जीरो, माइनस b माइनस बी ये माइनस टू बी आ जाएगा, ठीक है, और c माइनस माइनस सी, तो c प्लस सी आ जाएगा, तो ये हमारे साथ टू सी आ जाएगा, और ए बी माइनस सी अपनी जगह पे, ठीक है, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो विच इज इक्वल टू ए बी सी एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहला और दूसरा जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो, ठीक है, और प्लस ए हमारे साथ इधर आ जाएगा टू बी जीरो माइनस टू बी टू सी, टू बी जीरो माइनस टू बी टू सी, ठीक है, तो ए विच इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, और प्लस ए टू फोर बी सी, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई ए बी सी, ठीक है, तो हमारे साथ इससे आ जाएगा फोर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है, ए बी सी ये है और ए बी सी ये है, तो फोर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर,
ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर पार्ट 4।